Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about United Nations General Assembly's vote on Gaza war. This topic is important from our celebrated GS paper to international relations point of view. सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में समझते हैं देखिए गाजा वॉर से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था कैसे इस अक्टूबर महीने के सात तारीख को हमास जो एक आप कह सकते हैं मिलिटेंट फैक्शन है उसने अटैक कर दिया था इसराइल के ऊपर इट ऑल्सो टुक मेनी हॉस्टेजेस फ्रॉम इजराइल एंड सिंस देन रिटेलिएशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम इजराइली आर्मी लीडिंग टू अ लॉट ऑफ कोलेटरल डैमेज तो ये गाजा वॉर चल रहा है

बॉडी विद इन यूनाइटेड नेशन विच इज यूनाइटेड नेशन जनरल देखिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया वर्ल्ड वॉर टू के बाद वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच कैटेस्ट्रॉफिक वॉर्स इन द फ्यूचर बट लीग ऑफ नेशन फेल्ड और इसका सबसे बड़ा प्रतीक है सिंबॉल है इसके फेलियर का वर्ल्ड वॉर टू तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस करके बनाया गया यूनाइटेड नेशन स्ट्रॉर ऑर्गेसर टू लीग ऑफ नेशन तक कम से कम की एक तो आप सकते हैं World war तो इस सेंस में अभी तक हुआ नहीं है that could be as one of so, कि में आपको कहा II, 1945 में गया इसके अंदर 193 मेंबर स्टेट्स हैं पैलेस्टीन आपको इसकी हिस्ट्री मैंने बताई इसका प्रॉपर बॉर्डर डिमार्केशन हुआ नहीं है तो पैलेस्टीन इज नॉट एजर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन इट इज ऑब्ज़र्वर स्टेट इन यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन का अगर मुख्य गोल देखें आप तो वो है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड उसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए जिससे आपको यूनाइटेड नेशन का पूरा जाता है तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल टू आर्टिकल डाउन द ऑफ यूनाइटेड मैं अभी बात कर रहा हूँ फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के अंदर अलग अलग बॉडीज की जिसमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ओवरऑल यूनाइटेड नेशन को बनाया गया है विद हेल्प ऑफ अ चार्टर चार्टर मतलब आप कह सकते हैं मोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिफाइंस फंक्शनिंग जूरिक्सन

तो कभी भी कोई भी ग्लोबल कंफ्लिक्ट या कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट जो ग्लोबल स्केल अडॉप्ट कर सकता है ऐसे कभी कोई कंफ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं तो वो मामला यूनाइटेड नेशन पे काफी विगरस तरीके से डिस्कस किया जाता है जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हैज बीन डिस्कस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म ऑन सेवरल ओकेजन एंड नॉट दिस गाजा वॉर विल बी डिस्कस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म इन कमिंग डेज ऑन मैनी प्रॉब्लम इसमें यही है देर आर फ्यू कंट्रीज हु आर होल्डिंग वेरी डोमिनेंट पोजिशन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड दे आर मिस यूजिंग देयर पावर स्पेशली विद इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो पी फाइव कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने यू एन एस सी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा पूरा एनालिसिस किया था एक बार जरा देखते हैं ये जो पूरा पूरा यूनाइटेड नेशन है जिसको बनाया गया वर्ल्ड वॉर टू के बाद जिसका ये सारा ऑब्जेक्टिव है जो यू एन के चार्टर में लिखा है

सबसे पहले देखिए तो सेक्रेटेरिएट है सेक्रेटेरिएट का मतलब जो ऑफिशियल वर्क होगा जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो एम्प्लॉयज होंगे जो उसके कैडर्स होंगे दे आर मैनेज इन सेक्रेटेरिएट तो सेक्रेटेरिएट का आप समझिए ऑफिशियल कागज कलम वाला डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने वाला काम है सरल भाषा में उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे ये एक एडजुडिकेटरी बॉडी है एडजुडिकेटरी बॉडी का मतलब अगर कोई भी इंटरनेशनल लॉ तोड़ा जाता है कोई भी देश कोई भी इंटरनेशनल कानून तोड़ता है तो दूसरा देश उस देश के खिलाफ जो इंटरनेशनल कानून तोड़ रहा है उसके खिलाफ इस आईसीजी में केस ला सकता है ये है पर्पस ऑफ आईसीजी दैट इज इट इज एन एडिकेटरी बॉडी बट इट इज नॉट आई कोर्ट फॉर पर्सन टू पर्सन और इट इज कोर्ट बिटवीन टू कंट्रीज इन कंट्री ब्रेक्स इंटरनेशनल लॉ फिर बात की जाए ट्रस्टी सिप काउंसिल की सेक्रेटरीट मैंने आपको बताया बेसिक ऑफिशियल वर्क आईसीजी मैंने आपको बताया एडजुडिकेटरी बॉडी ट्रस्टी सिप काउंसिल इसका मेन काम था कि जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया तो उस टाइम में कई सारे ऐसे देश थे जो कॉलोनी थे इंक्लूडिंग इंडिया इंडिया को भी तो आजादी नाइनटीन में मिली है तो यूनाइटेड नेशन का एक और इंपॉर्टेंट गोल था दैट वाज टू एंश्योर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब हर एक जगह पे लोगों का जो वहां के लोग हैं उनके पास अधिकार होना चाहिए अपनी सरकार चुनने का तो सरल भाषा में आजादी डेमोक्रेसी और ये इंश्योर कराने का काम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का तो ट्रस्टीशिप काउंसिल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंश्योर्ड की कंट्रीज और उनके लोग दे गेट राइट टू तो सेल्फ डिटर्मिनेशन 1994 से नाउ देर इज नो लॉन्गर एनी सच रोल ले तो यूनाइटेड नेशन तो के अंदर छह बॉडीज है जिसमें से एक अभी नॉट इन फंक्शन है फिर बात की जाए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो भी बेसिक इकोनॉमिक कोपरेशन की बात होगी चाहे सोशल कोऑपरेशन की बात होगी इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपने नाम सुना होगा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स एंड ऑन जिसमें हेरिटेजेज नेचुरल हेरिटेजेस ट्रेडिशनल हेरिटेजेस प्रोटेक्ट किए जाते हैं तो वो सब प्रोटेक्ट कराने का काम ये करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन एसोसिएशन विद सेवरल स्पेश बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन तो आपने नाम सुना होगा इको यूनिसेफ एफ आर स्पेशलाइज बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करते हैं थ्रू दिस प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अब आ जाता है मामला ये दो मेन बॉडीज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड एनालिसिस हमने की थी कुछ दिनों पहले पंद्रह कंट्रीज मेंबर होते हैं पांच परमानेंट कंट्रीज होते हैं पी फाइव हु हैव गॉट वी टो पावर जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं रिजोल्यूशन होते हैं वो यहाँ लिए जाते हैं और यहीं पे मैंने बताया था कि ब्राजील ने एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी विच वॉज निगेटेड बाई और वीटोड यूएस जनरल असेंबली जनरल असेंबली जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के एक सौ तिरानवे में सब जनरल असेंबली में मेंबर होते हैं एंड ऑल ऑफ देम गेट रिप्रेजेंटेशन इन जनरल असेंबली थ्रू द प्रोविजन ऑफ वन कंट्री वन वोट तो यूएनएससी जैसा नहीं है कि भाई एक बार में बस पंद्रह कंट्री को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा दस नॉन परमानेंट मेंबर की तरह पांच परमानेंट की तरह ऐसा नहीं है जनरल असेंबली में एक सौ तिरानवे कंट्री जो में ऑल ऑफ देम विल गेट रिप्रेजेंटेशन एट द सेम टाइम विद इक्वल वोटिंग राइट्स वन कंट्री वन वोट जो बेसिक फैसले होते हैं बजट एलोकेशन करना ये सब उसके लिए सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन ले लिया जाता है लेकिन कोई अगर मेजर फैसला होता है किसी इंपॉर्टेंट मामले पे अगर फैसला लेना होता है देखिए अलग अलग मामले कोई अगर इंपॉर्टेंट इशू है उसके हर एक एस्पेक्ट पे चाहे चाहे उसका बजट भी, भी हो उसके मेंबर्स अपॉइंटमेंट भी हो उस पर टू थर्ड मेजोरिटी होती तो अब मोटी मोटी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये जहां पर एक सौ तिरानवे जो मेंबर कंट्रीज हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर फैसला लेते हैं यहां पे हर कंट्री के पास बराबर वोटिंग पावर है इंपॉर्टेंट मुद्दों पे टू -थर्ड वोटिंग से फैसला होता, so होता है क्या क्या जनरल देखता है तो जनरली इट अप्रूव बजट फॉर डिफरेंट प्रोग्राम इलेक्ट नॉन परमानेंट काउंसिल तो जो आ, दस नॉन परमानेंट हैं यहां से चुन के जाते हैं उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो इस आर्टिकल से रिलेटेड है कभी तो कबार जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो जाती है टू टेक एनी सॉल्यूशन ऑन क्राइसिस, तो उस केस में यूनाइटेड नेशन जनरल उस मुद्दे पे रिजोल्यूशन ले सकता है जैसे करंट केस देखिए, गाजा वॉर चल रहा है लगभग 20 लाख लोग पूरी तरीके से ओपन जेल में फंस गए सिविलियन डैमेजेस हो रहे हैं हमास इज वन टेररिस्ट ग्रुप दैट्स बट एंटायर गाजा रेजिडेंट्स आर नॉट टेररिस्ट राइट सब तो 20 लाख लोग तो टेररिस्ट नहीं है बट ऑल ऑफ देम फेस द ब्रंट ऑफ इजराइल अटैक तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सिचुएशन बना हुआ है और यू एन एस सी द वीटो पावर यूज बाय ऐसे हालत में जब यूएनएससी फेल्स टू एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी और आप देख रहे हैं कि पीस एंड सिक्योरिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन तो जब यूएनएससी फेल हो जाता है तो फिर जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन लाया जा सकता है इन दैट डायरेक्शन और यही हुआ है इस मौजूदा केस में द करेंट इशू इज रिलेटेड विद दिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये जो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जहां पे सारे मेंबर कंट्रीज को वोटिंग राइट right है उसकी एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाई गई है और यहाँ पे एक रिजोल्यूशन रखा गया है उस रिजोल्यूशन का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस ऑन अप होल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन ये रिजोल्यूशन को जॉर्डन ने बेसिकली सबमिट किया है जॉर्डन जो बॉर्डर शेयर कर रहा है इसराइल के साथ ट्रांस जॉर्डन रीजन जो मैंने आपको बताया था बट इसको ज्यादातर देश को बहुत सारे देश को स्पॉन्सर कर रहे हैं कंट्रीज लाइक बांग्लादेश मालदीव पाकिस्तान तो आप देख रहे हैं खासकर इस्लामिक कंट्रीज वेस्ट एशियन कंट्रीज में जब तमाम इस्लामिक कंट्रीज इन्होंने मिलकर के रिजोल्यूशन प्रपोज किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूएन जी टू दिस प्रॉब्लम अभी इस रिजोल्यूशन में क्या कहा गया है इस रिजोल्यूशन में कहा गया है कि देर इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन द इसराइल हमास कंफ्लिक्ट भाई एक बार के लिए पूरी तरह से वॉर को रोका जाए पूरी तरह से और एक्सेस पहुंचाया है जाए हैं बेसिक रेजिडेंट्स उनको खाने पीने की चीजें पहुंचाई जाए इसके लिए इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल में रिजोल्यूशन रखा गया दैट वॉज मेनली प्रपोज बाय को स्पॉन्सर्ड बाई मेनी कंट्रीज स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज देखिए इसमें स्टार्टिंग में तो रेजोल्यूशन में हमास का नाम लिखा था कि इसराइल और हमास के बीच में कंफ्लिक्ट को रोका जाए बट फिर यूएस के ऑब्जेक्शन करने पर हमास का नाम हटा दिया गया है हमास और ये सब कुछ भी नहीं लिखा गया बस ये लिखा गया है कि जो वॉर चल रहा है गाजा एरिया में उस वॉर को इमीडिएट तरीके से एक बार के लिए रोका जाए ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके ये रिजोल्यूशन रखा गया प्रपोज किया गया और उस पर फिर वोटिंग हुई 193 कंट्रीज ने वोट किया इंपॉर्टेंट मामला है तो इंपॉर्टेंट मामले पे फिर कैसा होगा कि सारे कंट्रीज वोट करेंगे वन कंट्री वन वोट होगा तो इस पे 193 कंट्रीज ने वोट किया अगर वोटिंग हम देखें तो 120 देशों ने इस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है चौदह कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस इजराइल ऑफ कोर्स दे ने कहा कि भाई हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो अगर आप देखें तो ओवरऑल वोटिंग कंट्रीज के नंबर हो गए 134 120 ने फेवर में वोट किया है चौदह तो ने अगेंस्ट वोट किया है 45 ने एबस्टेन किया है तो इस हिसाब से टू थर्ड तो वोटिंग में आ जाता है टू तो थर्ड वोटिंग मेजोरिटी हो गई तो रिजोल्यूशन हैज बीन नाउ एक्सेप्टेड अब देखना होगा इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है क्योंकि यूएनएससी में तो दैट वॉज वीटो डायरेक्टली बाई यूएस यूएन जी में वीटो का कोई प्रोपोजल या प्रोविजन है नहीं अब यहां पे 120 देशों ने सपोर्ट किया है तो देखते हैं इस मामले को कैसे अब इंप्लीमेंट किया जाता है लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की कि इंडिया का कैसा स्टैंड रहा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में ऑन गोजा वॉर तो इंडिया एप्स्टेन इसी इंडिया डिसाइडेड टू एबस्टेन आप देख सकते हैं येलो कलर से कट साइन है इंडिया एबस्टेन अब इंडिया ने जो यहां पे वापस एबस्टेन यानी कि वोट ही नहीं किया ना फेवर में ना अगेंस्ट

ऐसे हालत में इंडिया को एक पर्टिकुलर स्टैंड लेना अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज दैट विल ऑलवेज लीड यू टू सम नेगेटिव आउटकम दैट इज वाई इंडिया हैज ऑलवेज टेकिंग डेज अ बैलेंस्ड फॉर अगर आप देखें तो इंडिया ने इसी तरीके का बैलेंस्ड पोजिशन लिया हुआ है यूक्रेन वॉर पे इंडिया हैज बिन कंटिन्यूअसली रिपीटिंग दैट ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इज नॉट एन एज ऑफ वॉर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई दफा कहा है बट वी हैव फ्रॉम ओपनली क्रिटिसाइजिंग हैसिया यही हुआ जी ट्वेंटी प्लेटफॉर्म पे भी

कि नहीं तो उस केस में भी क्या होता इट वुड बी सीन एज एंटी अरब स्टैंड एंटी मुस्लिम स्टैंड उससे एनर्जी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होते क्योंकि तो अरबिक कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान की एक फॉरन पॉलिसी है वो ये है कि इंडिया को एंटी इस्लामिक कंट्री की तरह प्रोजेक्ट किया जाए यह पाकिस्तान एक प्रोपोगंडा फैला रहा है अगर वो ऐसा करने में पूरी तरह से कामयाब होता है तो पाकिस्तान होप्स कि फिर वो क्रॉस बॉर्डर टेरोरिज्म को ज्यादा स्ट्रांग तरीके से इंडिया के अंदर प्रमोट करा सकता है अगर उसको बाकी सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया के उनका सपोर्ट मिल जाए तो तो ये सीधा सीधा एनर्जी ये सीधा सीधा जो क्रॉस बॉर्डर टेरोरिज्म के लिए बढ़ा सकता है हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है राइट right? क्योंकि तो पाकिस्तान का जो प्रोपोगंडा है टू प्रोजेक्ट इंडिया इस्लाम कंट्री वुड बिकम स्ट्रॉगर तो दैट विल हैव डायरेक्ट इन द फॉर्मेट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेरोरिज्म एनर्जी सिक्योरिटी यू नो इंडिया रिलाइज ऑन वेस्ट एशिया फॉर इंपोर्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस तो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है डायस्पोरा कई सारे इंडिया ओरिजिन के लोग या इंडियन नेशनल्स वेस्ट एशियन कंट्रीज में काम करते हैं और काफी सारा रेमिटेंस वापस इंडिया में भेजते हैं तो रेमिटेंस अर्निंग की अगर बात की जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस अर्नर हर साल लगभग हम सौ बिलियन डॉलर से भी ज्यादा रेमिटेंस अर्न करते हैं तो अगर वेस्ट एशियन कंट्रीज से हमारा थोड़ा भी हुआ. किसी भी कारण से अगर हमने इस पूरे रिजोल्यूशन पे इसके अगेंस्ट वोट कर दिया होता तो जॉर्डन वोट प्रोजेक्ट इंडिया आज एंटी इस्लाम कंट्री पाकिस्तान को और ज्यादा सपोर्ट मिल जाता अब देखिए ना पाकिस्तान ने इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया है करना ही था क्योंकि से देखा जा रहा है एज रिजोल्यूशन इन फेवर ऑफ गाजा पीपल हु आर पीपल हुनियंसर द इस्लामिक पीपल लिविंग इन दैट पैलेस्टीन रीजन ओरिजिनली जूस लोग तो बाद में आए जूस कंट्री तो बाद में बना 1948 में so, तो इस तरीके से इंडिया है इस पर एक मेन्स में सवाल बन सकता है काफी बढ़िया सवाल बन सकता है कि डू यू थिंक बैलेंस्ड अप्रोच इन फॉरिन पॉलिसी इज अ कवर अप फॉर इंडियान पॉलिसी मेकिंग ठीक है इस तरह के सवाल जो होते हैं वो ट्रैप होते हैं ये नहीं कि आप भावनाओं में बह गए और लगे आप क्रिटिसाइज करने के हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है इंडिया इनडिसाइसिव हो रखा है में। हमें एकदम बोल्ड फॉरन पॉलिसी होनी चाहिए ऐसा लिखना ट्रैप होगा अगर आप कह सकते हैं कि हाँ कह रहे हैं अगर आप कि हाँ हाँ इंडिया जो है इंडिसाइसिव हो रहा है हमें बोल्ड फॉरन पॉलिसी लेने की जरूरत है तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी समझ फॉरन पॉलिसी मेकिंग में उन लोगों से ज्यादा है जो असल में अभी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं ये सुसाइडल होता है डू यू थिंक पूछ लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाओं में में बह करके सच लिखने लगे कि आप क्या सोचते हैं ऐसा नहीं करना है आपको बेसिकली भारत का जो स्टैंड है उसी को जस्टिफाई करना है लेकिन थोड़ा मॉडरेट तरीके से ठीक है जी ताकि आपको लगे आप एग्जामिनर को एक, एक आप मैसेज दे रहे हैं कि सर देखो जो भारत की पॉलिसी है मैं उससे अग्री करता हूं और उसमें ये ये कारण है जिस कारण से हम इस तरह का अप्रोच ले रहे हैं तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब समझा दीजिए कि एम होता है उसका मेनली नेशनल इंटरेस्ट और लार्जर ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को प्रिजर्व करना ये दोनों गोल होता है फॉरेन पॉलिसी का कभी तो कभार ये दोनों एम डाइवर्ज करने लगते हैं और इस कारण से कंट्रीज को मिडिल पाथ लेना होता है फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर में हमने ऐसा किया है इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट हमने हाल फिलहाल में ऐसा किया तो चाइना और यूएस के बीच में कन्फ्लिक्ट में भी हम ऐसा स्टैंड ले रहे हैं एक तरफ ब्रिक्स और एस का हम मेंबर है जिसमें चाइना भी एक मेंबर कंट्री है दूसरे तरफ हम क्वाड या आई टू यू टू का भी मेंबर हैं, जिसमें यूएस भी है एंड बोथ ऑफ देम आर देर अदर। तो दिस हाउ इंडिया हैज बिन बैलेंसिंग इट्स पोजीशन। इट इज नॉट इन इट इज बैलेंस्ड अप्रोच जिसको आज के डेट में कहा जाता है सॉफ्ट बैलेंसिंग सॉफ्ट बैलेंसिंग जानते हो क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में एक होता है हार्ड हार्ड बैलेंसिंग बैलेंसिंग में आप सीधा सीधा अपना स्टैंड क्लियर कर देते हैं कि मैं तो चाइना के साथ हूँ या यूएस के साथ हूं और मैं उसकी अगेंस्ट हूं दैट इज हार्ड बैलेंस सॉफ्ट बैलेंसिंग इज वेयर यू ट्राई टू बैलेंस योर पोजिशन इन अ वेरी सिस्टमाइज मैनर विथ रेस्पेक्ट टू सेवरल डाइवर्जेंट पोल्स आप सबके बीच में काफी बैलेंस्ड पोजीशन रखते हैं बिना अपना स्टैंड क्लियर कट बताए ये है जो पॉलिसी है ये इनडिसाइसिवनेस बोल करके आप इसको कहेंगे कि सॉफ्ट बैलेंसिंग इज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड दिस नेशनल इंटरेस्ट नॉट इन ऐसा आपको कंक्लूड करना है बोर्ड वर्क मैंने यहां दे रखा है ताकि आप इसको अपने नोटबुक में लिख पाए और रिवाइज कर पाए इतनी बातें बेसिक मिनिमम आपको याद रखनी है the next article is about india and qatar recent developments this topic is also important from a civil service gs paper 2 international relations point of view देखिए कतर एक छोटा सा अगर टेरिटरी वाइज बात की जाए तो एक छोटा सा कंट्री है जो तो पर्सियन गल्फ में मेनली ओपन होता है टेरिटरी वाइज लेकिन इकोनॉमी वाइज एनर्जी सिक्योरिटी वाइज काफी इंपॉर्टेंट कंट्री इसके बारे में हम देखेंगे हुआ क्या है कतर के अंदर हमारे कुछ इंडियन नेवी के रिटायर्ड अरेस्ट किए गए थे पिछले साल तीस अगस्त दो हजार बाईस को एट फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल ऑन द चार्जेस ऑफ मतलब इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये यहाँ पे जासूसी कर रहे थे उनके खिलाफ केस ट्रायल शुरू हुआ अब हाल फिलहाल में 26 अक्टूबर को एक दो दिनों पहले कतर के कोर्ट ने इन सारे आठ के आठ जो रिटायर्ड नेवी पर्सनल थे इनको डेथ सेंटेंस सुनाया है अब इस पर अगर इंडिया पूरी तरह से चुप रहता है और इनको आठों को फांसी लगने देता है तो दो तरह की प्रॉब्लम होती है एक इंडिया के ऊपर दैट इज नॉट गो वेल और दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड अमंगस्ट वर्ल्ड कंट्रीज ये साबित हो जाएगा अगर हम पूरी तरह से चुप रहते हैं कि हम लोग वहां पे जासूसी करवा रहे थे तो ये हमारे इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन हो जाएगा और दूसरा अगर आठ के आठों को फांसी हो जाती है तो हमारे जो कैपेबिलिटीज हैं ग्लोबल लेवल पे टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज उस पर भी क्वेश्चन हो जाएगा कि इंडिया इज नॉट दैट कैपेबल क्योंकि अपने आठ नेशनल्स को खासकर नेवी सीनियर्स को बचा नहीं पाए तो इन दोनों कारणों से इंडिया अब चुप भी नहीं बैठ सकता अगर लेकिन इंडिया कुछ आर्ग्यूमेंट करता है इसको इस डिसीजन को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है तो दैट विल बी सीन एज ऑब्सट्रक्शन इन एन इंटरनल मैटर ऑफ कतार जिससे दोनों देशों के डिप्लोमेटिक टाइज पूरी तरह से खराब भी हो सकते हैं तो ये एक डायलेमा का सिचुएशन बन गया है इंडिया के लिए इसको कहा जाएगा डिप्लोमेटिक डायलेमा विथ रिस्पेक्ट टू कतर जिसके साथ नॉर्मली हमारा फ्रेंडली टाइज रहा है कतर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट देश है आप इसके साइज पे मत जाइए टेरिटरी टेरिटोरियल साइज पे मत जाइए इसके साथ हमने डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया हुआ है अब देखिए पूरा का पूरा वेस्ट एशिया इनको प्रो इंडिया बनाए रखना बहुत जरूरी है बिकॉज पाकिस्तान की पूरी की पूरी, पूरी पॉलिसी इस एरिया में क्या है ये पूरा एरिया इकोनॉमिकली काफी रिच है सो दे हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटी टू फंड एनी इंसर्जेंसी फंडिंग का इनके पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है अगर पाकिस्तान इनको सच में कन्विंस कर देता है कि इंडिया इज एन एंटी इस्लामिक कंट्री सो पाकिस्तान गोल ऑफ प्रोमोटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विल गेट नेचुरल फंड सपोर्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज इंडिया को इस कारण से इन देशों के साथ अपने कोऑपरेशंस, खासकर डिफेंस कोऑपरेशन अच्छे बनाए रखने पाकिस्तान के प्रोपोगडा को डिफीट करना है तो Is to prove India is an anti -islam तो इसी कारण तमाम देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखता है उसमें से हमने कतर के साथ भी डिफेंस है। उसके अलावा इस एरिया से काफी सारा हमारा ट्रेड भी फ्लो करता है बिकॉज ऑफ एनर्जी इम्पोर्ट फ्रॉम ऑर्शियन गल्फ कंट्रीज टू इंडिया यहाँ पे कुछ पायरेसी के जो चैलेंजेज होते हैं उसमें भी कतर के साथ हमने कॉपरेशन किया है अंडर दिस इंडिया कतर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट टू प्रिवेंट सच पायरेसी और इकोनॉमिक टाइज तो इंपॉर्टेंट है, है सी कतर से हम बहुत सारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदते हैं तो कतर से हमारा ट्रेड लगभग पंद्रह बिलियन डॉलर के आसपास है उसमें से लगभग आधा फिफ्टी परसेंट के आसपास तो हमारा एल एनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस ही आता है अब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर कतर अगर ओवरऑल ट्रेड वाइज देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं है उसका इंडिया के साथ ओवरऑल हमारे ट्रेड का 1.4 ही है रैंक वाइज वो ट्वेंटी नंबर पे है दैट इज ओके बट कतर का इंपॉर्टेंस आप सिर्फ इस नंबर से मत लगाइए कतर का आप इंपॉर्टेंस इस तरीके से देखिए एल एनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इम्पोर्ट हमारे देश में साल दर साल बढ़ता जा रहा है इसी द ग्राफ इज कंटिन्यूसली गोइंग अप क्यों क्योंकि एल एन जी इज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंडिया इज नाउ स्विचिंग टू वर्ड्स क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ आर पंचामृत स्ट्रैटेजी तो वी आर नाउ प्रमोटिंग मोर एंड मोर एल एन जी इम्पोर्ट्स और एल एन जी इम्पोर्ट्स हमारा बढ़ रहा है उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से आता है जी अब देखिए कतर से सो so इस लिहाजे से कतर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एल एन जी इम्पोर्ट इज कंसर्न इंडिया का पचास प्रतिशत तक जो एल एन जी रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट से मीट होता है और ज्यादातर एल एन जी कहां से आ रहा है कतर से दूसरी अगर बात की जाए तो कतर इज मेंबर ऑफ जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इज फेडरेशन लार्जर फेडरेशन और ग्रुपिंग ऑफ सिक्स मेजर कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया उसमें सऊदी अरबिया आप कह सकते हैं कोर है इसके अलावा कुवैत बहरीन कतर ओमान आप देखिए ये सारे के सारे पर्सियन कंट्रीज हैं पर्सियन गल्फ कंट्रीज हैं। ये आर वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस और इन सब ने मिलकर के ग्रुप बना रखा है जीसीसी इंडिया के रिलेशंस अगर कतर के साथ खराब होते हैं तो सिर्फ कतर के साथ रिलेशंस खराब नहीं होंगे हमारे हमारे रिलेशंस खराब होंगे जीसीसी के साथ और आप देखिए जीसीसी कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड कितना ज्यादा है यूएई सऊदी अरबिया इराक एंड और जीसीसी कंट्रीज में कई सारे इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं जो काम करते हैं पर काफी सारा रेमिटेंस वापस इंडिया में भेजते हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया सौ बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हर साल रेमिटेंस के आ जाए तो मेरे हिसाब से प्रश्न मेन्स में कुछ ऐसा आएगा कि कतर होल्ड डिस्प्रोपोर्सनेटली हाइयर सिग्निफिकेंस एज कम्पेयर टू इट्स टेरिटरी एज फार एज इट्स सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज कंसे तो वहां पे आपको एल वाली बात लिखनी है मेनली और जीसीसी वाली बात लिखनी है कि इसके साइज पे मत जाइए ठीक है इसका उससे काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है ये सारी बातें आपको लिखनी है और ध्यान उसमें रखनी है जीसीसी पे यूपीएससी ने 2016 में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट इज अबाउट सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जीएस पेपर थ्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए इंटरनेट जो एक्सेसिबिलिटी हमारे घरों में आता है ये दो तरीके का हो सकता है एक तो देखिए जी टेरिस्टेरियल इंटरनेट जमीन से आने वाला इंटरनेट जिसको हम लोग ट्रेडिशनल इंटरनेट भी कह सकते तो अभी हमारे घरों में नॉर्मली लगा रहता है जो आ, ट्रेडिशनल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा रहता है इस तरीके से हमारे घरों में इंटरनेट कनेक्शन आता है तो टेरिस्टेरियल यानी कि जमीनी इंटरनेट या फिर ट्रेडिशनल जो नॉर्मली हमारे घरों में इंटरनेट आता है उसको इसी तरीके से आता है केबल से आता है ऑप्टिकल फाइबर से आता है और उसके अलावा एक और तरीका है इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी का उसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट में कैसा है कि आप सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं और सैटेलाइट के थ्रू आप इंटरनेट सर्विस लोगों को दे सकते हैं उसमें आप लो अर्थ सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में यानी 300-400 किलोमीटर की हाइट पे भी आप सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं तो फिर इसका कवरेज एरिया कम रहेगा कम हाइट तो कम कवरेज एरिया जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में तो छत्तीस किलोमीटर की हाइट तो फिर इसका कवरेज एरिया थोड़ा ज्यादा रहेगा फिर उसमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजने होंगे मुद्दा यह है कि एक टेरिस्टेरियल इंटरनेट होता है एक सैटेलाइट इंटरनेट होता है एकदम तो सरल भाषा में यहां पे देखिए इंटरनेट ट्रेडिशनल उसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है डेटा कंज्यूमर हमारे आपके जैसे लोगों को केबल या ऑप्टिकल फाइबर की मदद से इंटरनेट सर्विस पहुंचाता है और सैटेलाइट इंटरनेट में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है सैटेलाइट लगाएगा और सैटेलाइट की मदद से हमारे पास डेटा सर्विस पहुंचेगा डेटा पहुंचेगा तो सैटेलाइट इंटरनेट का फायदा क्या है सैटेलाइट इंटरनेट का फायदा यह है कि इसका मेंटेनेंस कम है आउटेज जैसे हमारे इंटरनेट चला जाता है ना इंटरनेट आउटेज जो है वो कम होगा उसके अलावा सेटेलाइट इंटरनेट की मदद से रिमोट एरियाज में भी गाँव गाँव में भी इंटरनेट फैसिलिटी दी जा सकती है जो केबल इंटरनेट में कठिन है गाँव गांव में इतना लंबा केबल अटैच कर पाना थोड़ा कठिन है सेटेलाइट इंटरनेट का एक फायदा है वो एक कॉम्युनिकेशन हो सकता है अभी कैसा है कि सिर्फ हमारे यहाँ से कॉम्युनिकेशन आता है मतलब इंटरनेट सर्विस हमें मिलता है बट वी आर नॉट एबल टू कॉम्युनिकेट बैक टू द आईएसपी अभी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें डेटा देता है बट वी आर नॉट एबल टू कॉम्युनिकेट बट सैटेलाइट इंटरनेट में देयर कुड बी टू वे कॉम्युनिकेशन आल्सो तो सैटेलाइट इंटरनेट जो है बिल्कुल टीवी जैसा सैटेलाइट टीवी जैसा काम करता है ऐसे सैटेलाइट टीवी रहता है ना उसका ऐसा एंटीना लगा रहता है सैटेलाइट की मदद से आता है सिग्नल और फिर टीवी चलता है वैसे ही सैटेलाइट इंटरनेट में भी सैटेलाइट की मदद से सिग्नल आएगा और उससे फिर हम इंटरनेट सर्विसेज को एंजॉय कर पाएंगे तो ये सब फायदे हैं सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लेकिन अभी ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो यही है टेरिस्टोरियल इंटरनेट या ट्रेडिशनल इंटरनेट इसी से रिलेटेड करंट न्यूज है रिलायंस जियो ने भारत के अंदर इंडिया के अंदर सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेट किया है अभी खाली दिखाया है उसको कॉमर्शियल स्केल पे लॉन्च नहीं किया है फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट इंटरनेट सर्विस मतलब लार्ज डेटा ट्रांसफर इंटरनेट सर्विस का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है रिलायंस जियो ने इंडिया के अंदर ये तो इंडिया के अंदर बात हो गई वर्ल्ड स्केल पे एक इस तरह का प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर रही है जो यूके की कंपनी है जिसका नाम है वन वेब उसने कैसा किया है कि 49 नाइन का ऐसा कॉन्स्टेलेशन लॉन्च किया है उनचास इस तरह के सेटेलाइट लॉन्च किए हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में जिसकी मदद से पूरे दुनिया भर में वो इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने को एक्सप्लोर कर रहा है ऐसे कैपेबिलिटीज को वो डेवलप कर रहा है जिस प्रोजेक्ट का नाम है वन वेब प्रोजेक्ट मुझे लगता है सत्ताईस मार्च को ट्वेंटी मार्च को ट्वेंटी मार्च 2023 को मैंने वन वेब का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया था वन वेब इज बेस्ड ऑन सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी यही बातें यहां लिखी गई हैं

12000 स्क्वायर मीटर का ये एरिया होगा अमृत वाटिका इंडिया गेट के बगल में इट इज बी डेवलपर गृतवाटिका के अंदर क्या किया जा रहा है कि देश के 766 766 डिस्ट्रिक्ट से सॉइल लाया गया है जिसको वहां पे फिर लाया लगाया जाएगा और वहां पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे इस तरीके से अमृत वाटिका जो है वो देश के अलग अलग कोनों से लाई हुई मिट्टी से बना हुआ गार्डन होगा अमृत वाटिका जो हमारे देश की यूनिटी का पहचान हो अमृत वाटिका का इनोग्रेशन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इकतीस अक्टूबर को इकतीस अक्टूबर को क्यों करेंगे क्योंकि इकतीस अक्टूबर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी है जिसको हमारे देश के अंदर नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस की तरह मनाया जाता है सरदार पटेल को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के बर्थ एनिवर्सरी को राष्ट्रीय एकता दिवस की तरह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सरदार पटेल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर यूनिफाइंग इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रिंसली स्टेट्स वेर देयर आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड मेनी ऑफ देम वेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट दैट वुड हैव टूड इंडिया एज अ फ्रेगमेंटेड बट सरदार पटेल ने की ह्यूमंगस टास्क को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कराया और सारे प्रिंसली जो स्टेट्स हैं उनको यूनिफाई करा करके देश की एकता को इंश्योर कराया इसीलिए सरदार पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे इकतीस अक्टूबर को हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और उसी कॉन्टेक्स में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के अंतर्गत अमृत वाटिका का इनोग्रेशन होगा क्योंकि अमृत वाटिका इज आल्सो सिंबलाइजिंग नेशनल यूनिटी देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मिट्टी लाई जा रही है इस पर्टिकुलर वाटिका या गार्डन के अंदर आ, कल जो मृदुल सर ने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर ये है यहां पे टिक किया हुआ है दर्ट ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग